लग गया था पाछे तो जब प्रेम कर। उस जाट मेहर सिंह ती रोटी लेके खेत में गई तब 12 बजे के भूखा बाणा खेत में उसकी बाट देखने लग रहा था। अच्छा वा प्रेम कर 2 बजे रोटी लेके पहुंची तो 6 में आ गया। प्रेम कर ने आवाज लगाई, ये आगे जाट मेहर सिंह। रोज जाट मेहर सिंह ते रोटी लेके आई तो रुका मारा के पियाजी मैं तेरे ती रोटी लाई हूँ। छो माँ के बोलिया कौन या एक और जाकर बैठ गया। और अब प्रेम कौर ने बोली कि पियाजी मैं तो तेरे ते इतनी दूर तक रोटी लेके आई हूँ और तू तो किस बात में छो हो रहा है। और एक बात के द्वारा कैसे जाट मेहर सिंह ने अपनी कविताई में लिखा क्या दर्शा दिया क्या बता दिया। ये तौर पे आदर व मान के सम्मान रागनी प्रेमी 100 रुपए से हमारी पड़ोसी।
साजन पन्नेदार मिठाई मैं तेरे मर के बल के साए वो प्यालिए हाई लादी तो मेरा आंख बना है कि मैं तेरी सेवा करूं कितनी सेवा करूं क्या बता दिया मारा बुजुर्ग बढ़िया रागनी प्रेमी एक बुढ़ा है था वो बजा दिया मुंह पर क्या तिला रहा है तू चिंता मत ना माना मैं तेरे ओढ़ू हाँ दिलचस्प आदमी है हाँसी असाण के काम आ रहा है और इसका पता मोड़ बांध देंगे यो काम आ जा कम से कम यो भी बहुत सही सही था हाँ कैसे तीसरी कली बने वाली के मैंने तू बहुत घना प्यारा लगा है कितना प्यारा लगा नू सुन ले हाँ मने मने प्यारा लगा कदे घर आ भी तू यही बात रख Yeah.
में जाने की तैयारी कर ली है तो पाछे तो प्रेम को आवाज लगाई के पियाजी 6 महीने की छुट्टी आया है आराम से जान की तैयारी कर ली। एकली मने यहाँ आड़े छोड़कर जाओगा ते मेरा क्यों कर जी लागेगा और कैसे एक बात के द्वारा प्रेम कर उस जाट में हीर सिंह का सजनो हाथ पकड़ ले है। रागनी हमारे कवि दादा लक्ष्मी चंद हुए पंडित जगन्नाथ हुए परनु का आग्रह कविताएं बढ़िया होनी चाहिए एक एक बात बढ़िया होनी चाहिए और उसी बेस पे हमारे बहुत अच्छे कवि हुए राम कुमार जुए वाले उन्होंने ये रागनी बनाई। कैसे बनाई क्या लिख दिया नहीं ओ सुन ले पिया ना लागे जिया भूख न फौज तेरी जवान बहु कर्म तेरे और इस मौज तेरी मेरे घर
6 महीने में आवेगा, इतने में मर लूंगी। पटका कतार देगा तेरी आँखी में कर लूंगी, इतने में मर लूंगी। देखे पति बरता नारी निशानी में थाई, के जहां पतिव्रता हो रहे तो आकर हर चीज के ठाट हो आकर कैसे हो आकर पतिव्रता नारी निशानी अथारी चौकस में धर लूंगी। हमारे नौजवान साथी बार बार धन्यवाद। छोड़ के अकेली करके होशियारी रहूं, करके होशियारी रहूं। मैं अपने धर्म ते गिरू नहीं, अपने धर्म ते गिरू नहीं। कर लिए खोज मेरी के जिस घर में पतिव्रता हो रहे तो या करे अपने पति का साथ दिया करे, उस घर में कदे भी क्या चीज की दिक्कत नहीं होया करती। उस प्रेम को उस जाट ने हीर सिंह का हाथ पकड़ लिया, बोली के पियाजी मेरे ही समझ में आई है कि अगर तू कमावा नहीं गा तो मेरा आड़ लाण के किता होंगे। सच्ची तो बात यह है कि बिना कमाए कुछ नहीं होया करता सजनो, कैसे नहीं होया करता। चौथी कली में क्या लिख दिया, डरे राम कवार क्यों डरे। देख माई घड़ी देगा
ये तरसता है दिल, जल्दी से शादी करे मेरे तांगे वाला, मैं तेरे तांगे वाली, तू मेरे तांगे वाला, मैं तेरे तांगे वाली। अरे सुन लो भैया, तुमसे प्यार हो गया, प्यार हो गया, क्या कहे। दो दिन रह जा मेरे धोरे, फिर आप जान जाएगा। मन नहीं जानता, मैं हूँ हीर की बुआ बुल्ली। हीर की बुआ नाश करनी। तेरा के नाश कर दिया, तेरा तो ढूंढ बस आया होगा। वाटोर दी होगी काने के लिए और के करा किस्ते फालतू। फिर अखंड काने के लिए गई है, तीन दिन उल्टी आलेगी जब देख लूंगी क्या कर लेगा तू। के कहना चाह है तू, मैं ये विश्वास करना भी सीख है। सुनिए यो इतना लकड़ दिया रंजे, चेक करा के दे मैं कुछ हो। और चेक जा सारा गात ना नाटा टोला निस्ता गौर भी के में गणा लकड़ा होगा काम लगा अपने आगे को सादा भरया है। देर तो पहले भी कई थी नार खार दूध दे फालतू मतलब ना रखो। ले 20 किलो घी मैं तेरे तो दूंगी, तू एक पूंड भी जाम का दिखा दे। अरे तू चल ना मेरे बिना, पहले तू जाम ले। जाइए ना, जाइए ना पिया, जाइए ना, छोड़ कर रखने जाइए ना, हीर तेरे बिन मर लेगी। के जान ना दिया, मर जाएंगी तेरे। एक बात कह दिया उसने, क्या पहले मैं था तू था, ई बखन करने के लग गई दूसरा दो हो गए। हाँ नू कह दिए के बताइए। छोट कर रखने चाहिए ना, हीर तेरे बिन मर लेगी। छोट कर रखने चाहिए ना, हीर तेरे बिन मर लेगी। खसम दूसरा तो कर लिया के, खसम दूसरा तो कर लिया, तेरा तीसरा भी कर लेगी। साले बनोया की लागी मेरा चाचा इसका मामा मंड रहे हैं। मैं तो देख गणा डर जा, रांझे क्यों इस
डेरा जीर मजीर से बाप ने खूब संगर लेगी भी ठीक है, लेकिन एक बात इसी बता दूं, ये आशिक ऐसी कुत्ती नस्ल हो है, इससे टेढ़ी बीमारी नहीं पाओगी दुनिया में। अच्छा, जब मर भी जाएंगे ना, फिर भी भरोसा नहीं। अपना अरमान कहते हैं, ये कहने वाले तो आपको हमारा दोस्त कहते हैं, पर हम तो आजाद जी आपको अपनी जान कहते हैं। एक बात और कह दिया उसने, क्या बिगाड़ी थी जमाने से, बिगाड़ी थी जमाने से, उसे अपना बनाया था, रहेगा याद कब्रों में, किसी से दिल लगाया था। अच्छा हाँ, करवा की हंसी आजाद
टोपजिया मझदार में क्या टोपजिया मझदार में वापर ले पर उतर लेगी। सुन आप अपने प्यार के गीत होया करें किस तरह धीरे धीरे बोल कोई जस्ट फॉर कॉम्प्रोमाइजर कैसे अरे धीरे धीरे बोल कोई सुनना ले कोई सुनना ले धीरे धीरे बोल कोई सुनना ले हमको किसी का डर नहीं क्या हमको किसी का डर नहीं कोई जोर जवानी प्रेम से बोलो श्रीनगर खेड़े की साजोर की साजोर की साजोर सा देखावे ए तू की साजोर की साजोर साजोर सा देखावे ए उसने कहे बंदी जो बैठी हुक्म चलावे अपने महल न ठा ले जा बाबा ना धूड़ा ठावे अपने महल न सोच लिए कदे नु सोचे भगमा बाणा ले लिया मेरा बाबा जी है नहीं और जो इस भगमा बाणे ले लेगा ना उसने दुनियादारी का बहना रहा करता किस तरह से नंबर एक पे क्या कहना डर किसे का ले ले जो भगमा बाणा तन के मराख बंदी आसान ना रमाना तन के मराख बंदी आसान ना रमाना तू कड़वे चोर कड़वे चोर कड़वे चोर ना लखावे ए उसने कह बंदी जो बैठी हुक्म चलावे अपने महल में ठा ले जा बाबा ना तने कम तक कम न्यू सोच लिया होता कि तू बाबा जी ने किस ढंग से टोके हे बाबा का कोई भरोसा ना होया करता जब छो मा जा के बेरा किसा शराब दे दे तड़प के मर जागी क्या कहती है दूसरे नंबर पर क्या बता बना चाहिए था सोचना न्यू बैठा वजन मसाधु ये बात
बाजी छो मर के कर दे को टोना जादू बाबा जी छो मर के कर दे को टोना जादू तू अरे सोर अरे सोर अरे सोर ना मचावे बंदी जो बैठी हुक्म चलावे अपने महल है और इतना प्यार मारा गांव का शायद मैं तो ये कहता हूं कि हे परमात्मा नुए बढ़ाए रखिए कीते कीते पाओगा तड़का इनू बोले बुला रहा है कितका प्रोग्राम है मखा भतपुर का और कौन आओगा मखा इकला हूं बेरा इन थाए विनू भी आओ इन बोले चाला तने इकले देखा नहीं चक्कर जुन सा था मैं समझ गया था मखा आओगे जरूर बार बार धन्यवाद नंबर तीन पे नुबुल है बंदी एक काम और कर लिए नौकर है ना तू मेरी इस बात ने जानता सुन लिए नौकर का काम यो है यो काम नहीं जो तने कराया के काम हो नौकर का कैसे क्या बताया किसा काम करते न टोक दे लेकिन जब कोई भजन करता हो कोई राम का नाम ले उस समय उस वो आदमी छेड़ना नहीं चाहिए पाप ला गया करे और इबी तने समझाऊं इस पाप से बच जा कैसे क्या कहता नंबर चार को बोला घोर ना कमावे
बंदी जो बैठी हुक्म चलावे अपने महल न डाले जा। ये आजकल कसूता चुड़िया रहे वो किसी और से मिलके आ रहे हैं। फिर भी हम उनका इंतजार कर रहे हैं, एक बेवफा से हम इतना प्यार कर रहे हैं। गेर लिया अरन बोले बतन कवि के हैं के जी क्या का कवि हूं, एक दो बोल ने उनका नून कर दू हूं, लोग नु कह दे कवि भाई। नहीं, इस दुनियादारी में चार चीज ऐसी हैं जो सुनी, किसके बगैर कौन सी चार चीज सुनी है। जाट मेर सिंह ने कविता बनाई, जब बतावन लग गया नु बोले बनू नहीं कभी कभी नहीं तन गणिया भी कहे गा के बता। तो क्या लिखा अपनी कलम से उस कविता में जाट मेहर सिंह ने, कौन सी चार चीज क्या क्या बिना सुनी है, क्या कह रहा है। वो बोला रे बिना बाप का बेटा सुना हो, जन्मभूमि जमींदारा सुना दन बालम के गोरी दना बाप का बेटा सुना माता की छोरी बिन भूमि जमींदारा सुना बिन बालम की गोरी। सुनने में छोटी छोटी बात लागे लेकिन सोच के देखना, कवि ने एक एक बोल में दर्शा दिया कि बिना बाप का बेटा किसा हो है। क्या लिखे नंबर एक बोला बिना बाप के बेटे ने, बिना बाप के बेटे ने कोई अच्छी भूंडी के जा, थप्पड़ घुसे लात मार दे बैठा बैठा से जा, मन में उठे जाल समुंदर आख्या के मापे जा, जिसका मर जा बाप वो बेटा चंदा की जू के जा रे, जिसका मर जा बाप वो बेटा चंदा की जू के जा रे, फिर करके याद पिता ने रोवे करके याद पिता ने रोवे, बकाया कच्ची कोरी Thank you.
के पंडित जी ने एक बात कही थी, ऋषि मुनि सन्यासी योगी, बस सुनिए शांति बना के, शांति बना लो भाई, बढ़िया गाना जी ला गया था हमारा भी, लेकिन यह कितना है बढ़िया तो गणिया हो और कितना है चलाक चोरो, मड़ा हरोड़ा हो जाओ जब खत्म हो जा रहा हो, कुदरती बात हो यार, शोर का चोर का और गणिया का मेल नहीं है कदे भी, शांति करोगे तो स्वाद आओगा गारंटी है, और मड़ी मड़ी सुर सुर रहेंगे स्वाद नहीं आओ गणिया के में कर लियो। नंबर दो पे पंडित जी ने बताई थी कि ऋषि मुनि सन्यासी योगी शोभा सामुजपुर की माता संग पुत्री की शोभा, पिता संग पुत्र की, पिता और पुत्र का मेल होता है, और इसी तरह से बिना माँ की बेटी किसी हो, मेरे ताऊ बिना माँ की बेटी, माता की छोरी के बन माता की छोरी के रे जा मन की मन में ओढ़न पहरन खान पीन की रे तमन्ना तन में नींद रात में ना आवे उन सपने आवे जन में उस बालका के जीना जिसकी माँ मर जा बचपन मरे हे रबन माता की किसी राजनी हे रे 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 जन माता की किसी राजनी तनु चंदा बिना चकोरी तनु भूमि सर छोटू राम के गुण गाओ जिसने धरती के मालिक बना दिए, ना तो मुजारा प्रथा किसी होया करती, ये बूढ़े जाने हैं बिना भूमि का जमींदार किसा हो है। क्या लिखा नंबर तीन पर बला भूमि के जमींदार की चाल कच्ची मरोड़ नहीं मैं फिर बैठी भैया की कोई साजे कुआ जोड़ नहीं वो इंद्र बरसे घूर घूर के जल उठन न छोड़ नहीं उठा बिस्तरा चलिया जाइए हमने तेरी रोड़ नहीं धरती युगले हीरे पन्ने धरती युगले किसी आधम आध होरी la 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 la
क्या करती उसकी मोटी नुबला गा बजा तो हम भी ले। और ये सच्चाई, ये गाना बजाना पहले मिरासी खान साहब गाया करते, उसके बाद इस पर पंडितियों का घने दन कब्जा रहा, मालिक रहे गाने के वो। अरिजाटा ने जब जब गान का जकरा करा, इन अंगर लठ दिया है मसांगे का भूल करे। बूटे बता रहे जाट मेर सिंह तो लठा पेटा करता है। एक सांग बना था सरवर नीर का, उसमें कही थी कि लाठी लेकर मारन आया जाट होकर गाओ मत। फिर सुना हमने रमेश कलावड़िया, वो नुकार था भाई खोसड़े मारे भी बहुत लग गए। अब छोर चौथ रागनी हम जा रहा था पेटा वो भी बहुत। हाँ शुरू शुरू में लुक मारा गनी हमने भी खूब गाई। बोले एक बात की शर्म आओ और बिना बालम की गोरी किसी वाग रहे, कैसे चार नंबर पर क्या लिखा बोला। बालम की गोरी का फीका बनाओ से अच्छी बुंदी को एक देते पाप कमाओ से। जन्म जाट घर ले राखा न्यू शरमाओ से। साज बाज करने जाट मेहर सिंह तेरा फीका गाना हो से। अरे साची बात बखत पक दे रे 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 रे, साची बात पता इसमें क्या सच्चाई। बीत जाता है माड़ा समय किस किस पे किस तरह बीतया ये बता दिया बना। भाड़ा हो
राजा नल पे राजा नल पे दसा चढ़ी वा रानी आ डाट गी घर मित्र के रहे रात में वो खुटी हार चाट गी चोर जार बदनाम थके दुनिया में जान पाट गी घुने तितर उड़ा दिए करड़ाई रात काट गी दमयंती सूती थोड़ी रे तार भुगाड़ा हो क्या जल रात गात में चैन पड़ना यो जीने खाड़ा हो क्या हर किस बंदे में दसा चले भूखा मारा हो क्या दलू दलू मारा हो रामचंद्र पे दसा चढ़ी मिले 14 साल दसोटा गिल्या सीता रानी लक्ष्मण वीर उम्र का छोटा बियाबान में रहते रहते वो वक्त बीत गया खोटा पता मरे की खबर पटी वो पता का बदला भरोटा भाई भरत घरा शर कुटर भाई भरत घरा शर कुटर पूरे और पवाड़ा हो गया मारिच मृग बना सोने का सीता पैदाड़ा हो गया सुराड़ा